हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस जिसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होना है तो दोस्तों निम हैंस इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं निम हैंस में वॉक इन इंटरव्यू है फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फंडेड प्रोजेक्ट एन टाइटल कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कभी अंडर डॉक्टर सुवर्ण अलादी प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड डॉक्टर गिरीश एन प्रोफेसर ऑफ इपडोमोलॉजी क्रो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर तो चलिए इन पोस्टर को हम लोग देख लेते हैं और इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है एप्लीकेंट शुड बी कन्वर्सेंट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग कनेडा लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कनेडा लैंग्वेज आनी चाहिए लिखने में भी आप सक्षम होने चाहिए और बोलने में भी होने चाहिए ऑल्सो द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स ट्रैवल टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान रखनी है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है नेम ऑफ पोस्ट पहली पोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के लिए है सेकेंड पोस्ट दोस्तों इसमें न्यूरो नर्स के लिए है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट वन है एजेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है एमएससी नर्सिंग और डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज बाय कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया दो साल का एक्सपीरियंस मांगा है विद केयर ऑफ पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस है एक साल का एक्सपीरियंस विद इवेलुएशन एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सैलरी है फोर्टी थाउजेंड पर मंथ और मैक्सिमम एज लिमिट फोर्टी फाइव ईयर्स है ड्यूरेशन जो है आपका जो जॉब का या कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है वो एक साल रखा गया है इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑफर्ड फॉर सिक्स मंथ फर्दर एक्सटेंशन विल बी बेस्ड ऑन सेटिसफैक्ट्री परफॉर्मेंस तो इनिशियली जब वहाँ पे आप सेलेक्ट होते हो तो छः मंथ के लिए आप वहाँ पे सेलेक्ट होते हो फर्दर वो एक्सटेंड करेंगे आपका परफॉर्मेंस देखते हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इवेलुएशन एंड केयर ऑफ पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एलॉन्ग विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कोऑर्डिनेट एंड प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिजीज एलॉन्ग विथ फिजिशियन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपको सपोर्ट आउटरीच एक्टिविटीज ऑफ ट्रेनिंग स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा एंड असिस्ट इन एनालिसिस एनी अदर वर्क असाइंड बाई द कंसर्न हायर ऑफिसर फिर दोस्तों आपका यहाँ पे नर्स का भी वैकेंसी है जिसमें टोटल पोस्ट हैं थर्टी एजेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बीएससी नर्सिंग और इक्ुलन डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया इफ नॉट अवेलेबल तब फिर वो जे को वहाँ पर कंसिडर करेंगे डिजायरेबल एक्सपीरियंस होगा एक साल का विथ इवेलुएशन एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सैलरी ट्वेंटी पर मंथ और मैक्सिमम एज लिमिट है फोर्टी फाइव ड्यूरेशन एक साल का इनिशियल अपॉइंटमेंट सेम सिक्स मंथ Further, extension will be based on satisfactory performance of candidate. Key responsibilities, Hogi, evaluation and care of patients with neurological disorder along with a multidisciplinary team. Coordinate and provide care for patients with neurological disease along with physician and multidisciplinary team. Support outreach activities of training, screening and awareness program, documentation of data and assist in analysis, any other work assigned by concerned higher officer. तो ये था आपका नर्स का इसमें और भी पोस्टें मैं आपको बता दे रहा हूं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिकल सोशल वर्कर डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंट्स असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तो दोस्तों ये थी आपकी पोस्टें जो निकली हैं अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो नर्स से अलग यहाँ पे पोस्ट की जानकारी लेना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निमहेंस की साइट में आपको जाना है वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा ये डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है अब डेट क्या है वॉक इन इंटरव्यू की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पच्चीस जनवरी दो है मेडिकल सोशल वर्कर की भी पच्चीस तारीख है डाटा एंट्री ऑपरेटर भी पच्चीस तारीख को है तो ये तीनों पोस्ट का डेट ऑफ इंटरव्यू है पच्चीस जनवरी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 27 जनवरी है और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट पब्लिक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की 27 जनवरी है न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइंस और नर्स इन तीनों पोस्ट के लिए डेट ऑफ इंटरव्यू है 29 जनवरी 2024 जाना कहाँ है आपको बोर्ड रूम फोर्थ फ्लोर एन बिल्डिंग निम हैंस और इसका टाइमिंग है साढ़े बजे सुबह एन फ्रॉम द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वर्किंग इन प्रोजेक्ट अगर आप कहीं पे पहले से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एन चाहिए होगा मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे चाहिए होगा चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द स्किल टेस्ट तो किस डिस्ट्रिक्ट में आप वहाँ पे सेलेक्ट हो गए ये डिपेंड करेगा आप कैसा परफॉर्मेंस देते हो इंटरव्यू में ठीक है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द नेम्स बिटवीन हाफ एन आवर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द रिटर्न टेस्ट नो टी ए डी ए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट तो आपको ध्यान रखना रहा रिटर्न टेस्ट देने के लिए आपको कोई भी टी ए डी ए वहाँ पर नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है आपकी निम हैंस की तरफ से जो बच्चे भी इच्छुक हैं और जिन्हें कैनड कनाडा जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर आती है तो बिल्कुल या आप इंटरव्यू दे सकते हो डायरेक्ट इंटरव्यू है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो वेन्यू है वो निम्हैस की बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर में ही है तो वहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू देना है किस पोस्ट में किस दिन इंटरव्यू ये भी मैंने आपको बता दिया है तो नर्सेस के लिए 29 जनवरी 2024 है तो जो बच्चे यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं वो इंटरव्यू जरूर देंगे क्योंकि निमहैस एक प्यूटेड संस्था है यहाँ से अगर आप छः महीने या एक साल का भी वहाँ पे आप आ, काम करते हो किसी के अंडर तो वो आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छा सुनहरा मौका आप आगे चल के आपको प्रोवाइड करेगा अगर ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऐसे ही वैकेंसीज और जॉब नोटिफिकेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं थैंक यू टेक के बाय बाय